नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ग्रहों की दशा बहुत ही ज़्यादा असर होता है, चाहे वो हमारा भविष्य हो या शिक्षा, अपनी शादी हो या बीमारी, धन हो या निर्धनता। दोस्तों, खुशी हो या दुख हो, ग्रह हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, हमारे ग्रह का स्वामी जितना मजबूत होगा, हमारी ज़िंदगी भी उतनी ही अच्छी होगी। दोस्तों, आज हम जानेंगे सिर्फ कि अपनी राशि से कैसे अपने ग्रह स्वामी को पता लगाएं, कैसे अपने इष्ट देव का पता लगाएं। जी हाँ दोस्तों, आप कैसे अपने राशि के स्वामी को पहचान सकते हैं और उसका उपाय करके कैसे उसे मजबूत कर सकते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। दोस्तों, मेष राशि का स्वामी मंगल है। इनका उपाय है, हर मंगलवार शिवलिंग पर लाल फूल अर्पित करना चाहिए, लाल मसूर की दाल दान में दें और हनुमान जी की पूजा करना और प्रसाद चढ़ाना। दोस्तों, ओम अहम अंगारय नमः का 108 बार नित्य जाप करें। वृष राशि। दोस्तों, वृष राशि का स्वामी है शुक्र। इस दिन माँ लक्ष्मी की सेवा आराधना जरूर करनी चाहिए, शुक्रवार के दिन वृष राशि वाले, और माँ लक्ष्मी की सेवा के साथ श्री सूक्त पाठ का पाठ करें और अन्न का दान करें। ओम सुं शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार नित्य जाप करें। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। भगवान बुध हमें बुद्धि देते हैं, सोचने की ताकत देते हैं। आपको बुध के जो स्वामी जो है वो मिथुन का है, और मिथुन राशि के जातक भगवान गणेश व माँ दुर्गा की आराधना करें। बुध को प्रसन्न करने के लिए हर बुधवार गाय को हरी घास खिलाना चाहिए, और मिथुन राशि के जातक किन्नरों को दान करें। ओम बूम बुद्धाय नमः का 108 बार नित्य जाप करें। कर्क राशि का स्वामी चंद्र है, और कर्क राशि का जो उपाय है वो सोमवार का व्रत करना। हर सोमवार शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए कर्क राशि वालों को। चंद्र से संबंधित किसी वस्तु जैसे दूध, चीनी, चावल का दान करना चाहिए। कर्क राशि वाले, ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार नित्य जाप करें। सिंह राशि का स्वामी है सूर्यदेव। दोस्तों, आपको उपाय के रूप में प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना है। सिंह राशि के जातक गेहूं एवं गुड़ का दान करें। ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार आप नित्य ही जाप करें। दोस्तों, कन्या राशि का स्वामी बुध है। आपको इसका उपाय भगवान गणेश और माँ दुर्गा की आराधना करनी है। बुध को प्रसन्न करने के लिए हर बुधवार आपको गाय को जो है वो हरी घास खिलाना है और किन्नरों को दान करना है। इस दिन आप ओम बूम बुधाय नमः का 108 बार जाप करें, वो भी रोजाना। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। दोस्तों, तुला राशि के जातकों के लिए उपाय है कि आप माँ लक्ष्मी की सेवा आराधना करें और आप श्री सूक्त पाठ का दान जो पाठ करें अन्न का दान करें। इस राशि के जातक ओम सोम शुक्राय नमः का 108 बार नित्य जाप करें। वर्षिक राशि का स्वामी मंगल है। आपको हर मंगलवार शिवलिंग पर लाल फूल अर्पित करना है। लाल मसूर की दाल जो है वो आपको दान में देनी है। हनुमान जी की पूजा करना और प्रसाद चढ़ाना। ओम अहम अंगाराय नमः का 108 बार नित्य जाप करें। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, गुरु बृहस्पति, और आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है। हल्दी, पीली दाल और पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। आपको ओम नमः
भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि का स्वामी शनिदेव हैं। आपको उपाय के रूप में तेल में अपना मुख देख एक कटोरी लें और उसमें तेल लेकर उसमें मुख देख कर आपको तेल दान करना है। लोहा, काली उड़द, तिल और काले वस्त्र भी आपको दान करना है। ओम प्रा प्री प्रोम सह शनिश्चराय नमः का 108 बार नित्य ही जाप करना चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि का स्वामी शनिदेव है। आपको उपाय के रूप में तेल में अपना मुख देख कर तेल दान करना है। लोहा, काली तिल, काले उड़द, काले वस्त्र आदि दान करना है। आपको ओम प्राम प्रीम प्रो सह शनिश्चराय नमः का 108 बार नित्य जाप करना चाहिए। मीन राशि, मीन राशि का स्वामी गुरु बृहस्पति देव है। उपाय के रूप में आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। हल्दी, पीली दार और पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार नित्य जाप करना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको लाभदायक सिद्ध होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।